आपका क्या मकसद था आज का? मकसद हमारा केवल इतना था, आज आने वाले थे शिवपाल जी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और इन्होंने आज हमको पट्टी का परमिशन न दे करके कैंसिल कर दिया। इस नाते मैं समझता हूँ अभ्यर्थ की स्वतंत्रता का इन्होंने हनन किया जी। और इसके बाद अभी किसका प्रोग्राम लगा है यहाँ पे? इसके बाद 26 तारीख को आदित्य भैया आ रहे हैं, जिसमें हम युवा सम्मेलन करेंगे, और युवा सम्मेलन के बाद हम राष्ट्रीय अधिवेशन में जाएंगे। तो यहाँ से कितने लोग शामिल हो रहे हैं आपकी इस प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में? यहाँ प्रगतिशील पार्टी पूरे जनपद में गठित हो गई है। हमारी प्रगतिशील पार्टी यहाँ पर नंबर वन की पार्टी हो जाएगी। किससे अपनी मेन लड़ाई किससे मानते हैं अभी आप? भारतीय जनता पार्टी। अभी जो आप बोल रहे थे कि भाजपा के इशू को लेकर आप सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे, तो किन मुद्दों को लेकर आप लड़ाई लड़ेंगे? महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार, यह जो आपका आए दिन अत्याचार जुल्म हो रहा है, इन सबके खिलाफ लेकर के हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लड़ेगी, या सड़कों पर देखने को आजमगढ़ में अवश्य मिलेगी। ये आपकी लड़ाई कब से शुरू होने वाली है? यह लड़ाई मैं समझता हूँ कि आदित्य भैया आने के बाद शुरू हो जाएगी।